नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 18वीं लोकसभा में ठीक राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले दिन सेंगोल पर सियासी संग्राम छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के नेता आर के चौधरी ने सेंगोल को संसद से हटाने की वकालत की, जिसके बाद सत्ता बनाम विपक्ष में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। लोकतंत्र के मंदिर में सिंगोर रखा जाए, ठीक बात नहीं है। उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था, हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। क्यों उठी सिंगोर को हटाने की मांग? क्यों राजदंड पर छड़ी राजनीतिक टकराव? क्यों अचानक चर्चा में आया सिंह? क्यों परंपराओं पर हुआ सियासी प्रहार? इन सवालों के साथ उठे तूफान की कहानी समझने से पहले उसके एपिसेंटर को समझिए और सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी का वो बयान जिसमें उन्होंने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग कर डाली। उस जमाने में सेंगोल रहा होगा न्याय का सिंबल, लेकिन आज तो लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए, ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सेंगोल प्रतीक है राजदंड का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का, तो अगर रखना ही है तो सिंगोल हटा के संसद भवन से वहां संविधान की एक मोटी प्रति रख देना चाहिए। आर के चौधरी के बयान से सियासी तूफान आना तय था, लिहाजा जब इस मुद्दे पर सवाल समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से किया गया तो उन्होंने आर के चौधरी के बयान का नजरिया ही बदल दिया। सेंगोल तमिल शब्द से मई से आया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। ये एक राजदंड होता है, इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। चांदी के सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी होती है, इसके ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज विराजमान होते हैं। संसद में स्थापित सेंगोल 5 फीट लंबा है। इसे तमिलनाडु की एक प्रमुख धार्मिक मठ के पुरोहित का आशीर्वाद प्राप्त। 1947 के इसी सेंगोल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी के नजदीक स्थापित किया गया। कहा जाता है कि सेंगोल जिसे दिया जाता है उससे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा की जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी के मुताबिक ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। जाहिर है सेंगोल पर छिड़ी ये सियासी बहसबाजी अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि सवाल उस प्रतीक को लेकर हुआ है जिसे न्याय और निष्पक्ष शासन का सिंबल माना जाता है। सेंगोल पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी विपक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि संस्कृति का अपमान करना विपक्ष की परंपरा है। सीएम ने कहा कि ये तमिल संस्कृति का अपमान है। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय मान बिंदुओं पे जिस पे अपने देश की संस्कृति का हमेशा गर्व और गौरव का अनुभव आता है, तमिल संस्कृति के माध्यम से हमारे अपने ऐसे सभा स्थल जहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति होती है और लोकतंत्र का सम्मान होता है, उस स्थान पर सिंगोल रख करके और पवित्र बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ था। लेकिन कुछ असमझ लोग जिनको इस बात की समझ नहीं है कि वो है क्या, ये हमेशा भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं। संविधान और आपातकाल पर सियासी उबाल जारी है, इस पर आपातकाल का मुद्दा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान उठाया। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को लागू हुई इमरजेंसी संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। संविधान
25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। संविधान के नाम भ्रम और सियासी पैगाम देने वालों के खिलाफ सत्ता पक्ष ने आपातकाल को हथियार बना लिया है। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, तो अब लोकसभा स्पीकर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान इमरजेंसी की चर्चा की और आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है, 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। राष्ट्रपति के ऐसा बोलते ही पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया, लेकिन राष्ट्रपति ने जब आपातकाल पर बोला तो संसद में हंगामा मच गया। हर तरफ विपक्ष के हंगामे की आवाज गूंजने लगी। दरअसल इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद संविधान का हवाला देकर मोदी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बीजेपी ने आपातकाल का मुद्दा उठाकर विपक्ष पर तगड़ा पलटवार किया है, क्योंकि इंदिरा सरकार में आपातकाल ही ऐसा दौर था जिसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान को कैद कर लिया गया था। अब इसी मसले पर बीजेपी हमलावर है। संविधान की कॉपी लेकर संविधान की शपथ लेने वाले विपक्षी सांसद आपातकाल पर शांत, लेकिन इमरजेंसी पर सियासी शोर सड़क से संसद तक उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नीट पेपर लीक का मुद्दा सड़क से अब संसद तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पेपर लीक के मसले को गंभीर बताया, साथ ही उन्होंने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए साफ साफ कह दिया कि इस मसले पर राजनीति से हटकर सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा है। पेपर लीक के वीक सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है, आखिर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? जब इस सवाल की गूंज सदन में उठी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में नीट पेपर लीक का जिक्र कर दिया। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घोटाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति ने कहा, भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। पेपर लीक पर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है। परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पेपर लीक की घटनाओं में निष्पक्ष जांच हो रही है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से पेपर लीक का जिक्र करने के दौरान विपक्ष जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आया। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध। हमारे पहली भी इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है।
दरअसल जिस तरह पिछले दिनों परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गए उसकी गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस शहर शहर प्रदर्शन कर रही है। नीट पेपर लीक में बिहार से झारखंड और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक्शन जारी है। बावजूद इसके विपक्ष सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रहा है। जानकारी है कि कल विपक्ष सदन में नीट का मुद्दा उठाएगा तो नीट पर संसद में सरकार जवाब दे सकती है। विपक्ष दोनों सदन में नीट का मुद्दा उठाएगा तो विपक्ष को जवाब देने की तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। संसद में पेपर लीक पर विपक्ष सवाल करेगा तो इस विवाद पर संसद में शिक्षा मंत्री जवाब दे सकते हैं। यानी पेपर लीक का मुद्दा अब काफी गर्म होने वाला है और कल के सत्र में बवाल मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगाने की तैयारी में है, तो सरकार भी एक एक सवाल के जवाब तलाश चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नीट को लेकर आज सड़क पर किस तरह से संग्राम छिड़ा, आइए अब ये भी जानते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस की यूथ विंग ने प्रदर्शन किया, मामला लाठीचार्ज तक पहुंच गया। एनएसयूआई कार्यकर्ता एनटीए बिल्डिंग के अंदर घुस गए। देखिए, नीट पर संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस की यूथ विंग ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को गिरा दिया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता एनटीए बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और अंदर घुस गए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के मेन गेट पर ताला भी लगा दिया। दफ्तर के अंदर ही बैनर लेकर कार्यकर्ता बैठ गए और देर तक नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट किया गया, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के साथ इंडी अलायंस का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। अकेले आम आदमी पार्टी के सांसदों ने ही केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अकेले पड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट किया और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। अकेले आम आदमी पार्टी के सांसदों ने ही केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद सवाल ये है कि क्या इंडिया अलायंस ने केजरीवाल से दूरी बना ली है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियों ने क्या आम आदमी पार्टी से पल्ला झाड़ लिया है। 18वीं लोकसभा में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण था, जिसमें उन्होंने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राष्ट्रपति का यह अभिभाषण काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें उन्होंने मोदी सरकार 3.0 के अगले 5 सालों के कामकाज की रूपरेखा प्रस्तुत की। लेकिन जिस समय वो सदन को संबोधित कर रही थी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और राष्ट्रपति का बहिष्कार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने ही वाली थी, ऐसे समय में उनके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई और ये उनको जेल में रखने की एक साजिश है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत जारी है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक तरह से बद्दुआ दी है। अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी तानाशाह का विनाश हो। ये सुनीता केजरीवाल की भाषा है, जिसमें उन्होंने विनाश शब्द का प्रयोग किया है। अगर हमारे सामने ये ऑप्शन रखा जाएगा कि जेल या बेल, तो फिर हमें जेल ही मंजूर है, हम बेल नहीं लेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी,
जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय कोई लिख रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी। नैतिकता के आधार पर जिसकी भी इस तरह की गिरफ्तारी हुई है वो अपने पद का त्याग किए हैं और जो लोकतंत्र का सम्मान है उसको बढ़ाए हैं। तो एक तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश बताया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने कल खुद अपनी याचिका वापस ले ली थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका खुद वापस लेने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कभी केजरीवाल कहते थे कि अगर उनके सामने ये ऑप्शन रखा जाएगा कि बेल या जेल, तो वो जेल को चुनेंगे, बेल नहीं लेंगे। लेकिन वही केजरीवाल हैं जिनकी पार्टी उनकी जमानत को लेकर पिछले काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज भी संसद परिसर के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति का भी बहिष्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।